आगीचे इथं उभे राहा। अरे मुझे टारगेट किया उसको गांधी मासी ने। गाइस ये देखो, मतलब शानपना मेरे को सिखाया, अभी खुद भी वही काम कर रहा है, मतलब वो बीच में आ रहा है। Once again, स्वागत है दोस्तों आपका आपके भाई के चैनल पे जिसका नाम है मनी म्याव। जी हाँ, तो आज ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं हम लोग, जैसे कि सब लोग का थोड़ा बहुत उस प्लेस को लेके बहुत ही दिल लग चुका है। तो ज्यादातर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा नहीं, क्योंकि पूरा वो एक्सक्लूज हो जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आपको जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपको बताया था कि कुछ सरप्राइजिंग है, तो ये चीज भी सरप्राइज है और लास्ट में आपको सरप्राइज देनी है। तो इसके लिए पूरे में जगह के ऊपर आपको नहीं कुछ बताऊंगा, बस मैं आपको हिंट दे दूंगा। तो वहाँ पर उस लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं, कितना नहीं। तो थोड़ा बहुत हम लोग को 2-3 चीज़ें भी लेनी है, तो दुकान में भी जाएंगे। आप भी बने रहेगा, साथ रहेगा, जुड़े रहेगा, ताकि आपको पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एंड तक बने रहेगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और जो जो चला के होशियार है उसको एंड तो समझ जाएगी ना, मेरी जान मेरी बच्ची। तो चलो सीधा निकलते हैं अभी उधर। आ गए हैं एक दुकान में, जो कि हमें एक चीज लेनी है, और वो चीज क्या लेनी है पता है? नहीं। ये, और इसका दुकानदार है ये, हमें वो झाड़ू लेना है, झाड़ू। उसी के लिए हम लोग इस दुकान में आए हैं, और वो किस चीज की लेना है, किस चीज के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल ये दुकानदार मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत मार रहा है, और जब भी मारेगा ना, आज छुट्टी बुट्टी। ये हमारे एरिया का फेमस एकदम दुकानदार है, मिस्टर नीले डागा। ए अरे दे यार, गिराक आ गए और ये ऐसे भाग रहा है यार, ये कैसा है इतना रुबाब। ये देखो ना, पूरा दुकान मेरे उसके ऊपर ऐसे डाल के भाग गया। फालतू गिरी है, मैं चॉकलेट बिकलेट चोरी 2-3। तो हमें अच्छा वाला लेना है, भारीतला दे, एकदम असा साधा सुधा नको, कचकी रे कचकी, झपरी झपरी, मपरी रे मपरी, कचकर कर खुपकर कर, कचकर कर खुप्स। 2 पाहिजेत मला। गाइज ये दोनों चीजें लेनी थी हमें, वो लेकर अभी हो गए, और हम लोग ऐसी जगह पे जाएंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ लगे हाथ दोस्तों, पानी का एक बोतल भी ले लिया, क्योंकि पानी भी पीने के लिए लगेगा नहीं, तो वो भी जरूरी है भाई। उधर क्या क्या किसको क्या क्या लगेगा समझ में आएगा आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। फाइनली आ गए हम लोग अपनी जगह पे, और ये अच्छा गाँव, ये चोमिया इधर क्या कर रहा है? ये हर एक ब्लॉग में दिखता है रे मेरे, तू नहाया नहीं ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन द लाइफ बेबी। आईला ये आपने से पहले, बाबा रे बाबा। नहीं नहीं, आज डालने वाला है ना भाई। ये देखो फूल पद्धतशीर रीत्या काम चालू है इधर। ये प्रॉपर्टी में आए दोस्तों, ये करण भाई ने ना, ये बाकी की पूरी प्रॉपर्टी है ना अपने आईयाशी के लिए ली है। हाँ ये देखो, अभी फिलहाल इसका रंग रूप देखो, और उसके बाद जो डेवलप करने वाला है वो देखो। करण भाई मतलब ये पूरा झाड़ी एक खत्म हो जाएगा क्या भाई? तू खाली देख, मैं ज़्यादा बोलता नहीं। लोगों ना नेक्स्ट लेवल पे एकदम साफ सफाई करने के लिए लिए भाई ने, एकदम कचकी रे कचकी। हाँ हाँ, कपड़ा आइटम मी तो म्हणतो आज केलं तरी चालेल। पेरू बिरू बी कापा सांगितलं, जे मध्ये येतील ना ते सगळी कापा सांगितलं। झाड नाही पूर्ण फांद्या फांद्या। मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ये ऐसी गोल गोल घुमा के कैसी है कैसी नहीं। देखो इधर ये पूरा आम भीम का पेड़ है, और इसको बहुत सारा आम आता है। ये करण भाई है ना, आम तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ेगा। कट्टा बांधायला घेतला होता, इधर बनाएंगे आप उनको कुछ तो बैठाने के लिए। इधर चूल्हा भी बनाएंगे, पीछे भी है एरिया बनाने के लिए। लगता है ना श्रीमान को नहीं पसंद ना भाई। ये पीछे की प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो आप? मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं आईएएस ही नहीं ना इसमें, किधर ये शर्मा गया। देखा देखा, मेरा नाम हो गया खराब। हाँ और ना सब ये तुम लोग चाले करते हो, और नाम मेरा आगे आ रहा है, तो ठीक है मैं क्या बोलूँ। देखा नहीं, पहले जो भी मैंने बोला ना तभी शर्मा गया, तभी हंस गया भाई। अभी देखो वो एक एटीट्यूड वाला हंसना। वाह 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 वाह, वो हंसना शर्म वाला होता है कुत्ते नहीं। बट ये पीछे का प्रॉपर्टी एकदम बाप लग रहा है, एक देख कितना मस्त लग रहा है। देख अरे मेरे पास पैसा आया था बहुत, मैं डाल दिया जमीन में, क्या करूँ। अच्छा है, अभी जब भी डेवलप होएगा ना तो इसके बाद भी हम लोग दिखाएंगे कि कैसा कैसा डेवलप किया है। बट फिलहाल तो उसका ये कंडीशन है, शादियाँ मुझे घरों की जरूरत है। मैं वो उसको 4-5 शादी करनी रहेगी ना, तो 4-5 भी घर लगेंगे वो एक साथ। फुल पद्धतशीर लेवलला काम चालू है। कामगार पक्ष नेते देखो ये कचकी रे कचकी। अब काम कुछ छोड़ा है और ये करण भाई को पीनी है चाय। कौन सा? गुड़ाची चाय। इससे मालूम है शुगर से होता है लफड़ा। आजकल मैंने ठहराया है कि मैं गूगल को बोलूं गुड़ का चाय। मराठी में उसको गुड़ बोलते हैं और हिंदी में गुड़ बोलते हैं, लेकिन बोलने से वो वाला गुड़ नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है। अच्छा कहा दोस्तों, कमेंट में बताओ कौन हो रहा है कौन नहीं। ये खाली वो लाल लाल हो गया है क्योंकि उसका स्किन का लफड़ा हो गया और मैं ओरिजिनल है। दोस्तों यहाँ की प्रॉपर लेवल का एकदम काम चालू है। झाड़ पोड़ ये देखो, लाकूड़ तोड़े भी है मेरे पीछे और इधर साफ सफाई चल रही है, पूरा जलाया हुआ है और लाकूड़ तोड़ा है इतना जोर से। पेड़ नहीं काट रहा हूँ, जो बीच में आ रहा है वो मैं काट रहा हूँ क्योंकि तकलीफ हो रही है, गाड़ी बीड़ी को लगेगा इसको। हाँ मतलब ये साफ सफाई जरूरी है यार, थोड़ा बहुत चीजें करना जरूरी होता है। और पीछे का अभी मेंटेनेंस बाकी है। पहले बाहर का एरिया हम लोग क्लीन कर रहे थे और बाहर का एरिया क्लीन करने के बाद अंदर घुसेंगे, फिर अंदर की साफ सफाई होगी। और यहाँ भी एक बंदा है सुपरवाइजर, एकदम प्रॉपर लेवल ला। ये भाई आज बराबर कर दो। हाँ अच्छा का आवाज आयले, ये ढाली मेरे ऊपर ही गिराएगा आज। ये देखो ना दोस्तों कितना बड़ा तोड़ा इसने ढाली। गाइज ये देखो, अभी मतलब शानपना मेरे को सिखाया, अभी खुद भी वही काम कर रहा है। मतलब वो बीच में आ रहा है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बीच में आ रहा है। पेड़ नहीं पूरा काट रही है, इनको तो बचा नहीं। इनको मस्त भाई कि अभी लाल मिट्टी वगैरह लाने का है। इसको खाने में मजा आएगा ना, क्या बताऊं मैं आपको। पहले चलते दोनों फांदे उसमें काट लगेज फेंकूँ दे। और इसको तो आप पहचानते रहेंगे, ये मेरे इसमें भी काम के लिए रहता है, मेरा फिक्स आदमी है ये, टेंशन नहीं है। अभी ये ज़रा फिलहाल इतना तो साफ सफाई होगा। अभी मैंने ये जला दिया है, देखते हैं अभी कैसे कैसे आगे आगे कैसा प्रोसेस होता है। तुमको क्या लगता है ये कब तक हो जाएगा अपना काम? मुझे देखो नेपलिया बोला है कि 15 दिन में मैं कलटा हूँ, लेकिन इसकी लायकी नहीं है। 1 महीना मिनिमम लगेगा। जनवरी से विषय को ये वो एक गांधी मासी शादी करनी है उसको। अरे ती बात तुझे अंगावर नेपलिया पळापळ झालेली आहे इथं गांधी मासी बघून। अरे हाँ नाही त्यांना गर्मी झाली असेल ना म्हणून तर बाहेर निघाले। गाडी काढा अभी, गाडी पळायच्या पोझिशनला ठेवतो म्हणजे कसं त्रास होणार रे भाई, काय विषय नाही ना भाई। पळापळ के लिए तैयार बाबा, से मजाक नहीं दोस्तों। ये देखो दोस्तों लाइव एक्सक्लूसिव, ये कहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ये अपने ही ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। इन लोग की साली इज्जत ही निकाल दूंगा मैं। अरे ये तो देखी सर, झाड़ू मारने में क्या इज्जत निकाल ली। हाँ देखो ना कैसे रट्टा दिख रहा है एकदम, वो काला कपड़ा विपड़ा पहन के। इसका शी का नाटक कब खत्म होएगा पता नहीं यार। A few moments later. ये देखो दोस्तों गांधी मासी का प्रकार। ये ते डोक्यावर घाल ना तुझ्या, डोक्यात घाल ना, डोक्यात घाल। फुल पैकिंग चालू इकडे। कैसा लगा करण जी वार होते हुए? इंसान इनके घरों पे घुसे, वो अपने घरों पे नहीं घुसे। अच्छा कहा। फिर से एक बार करण भाई जा रहे हैं डेरिंग करके गांधी मासी के इधर। अभी भाग गए लगता है गांधी मासी। दोस्तों ये संरक्षण देगा क्या? अरे मला मुझे टारगेट किया दोस्तों गांधी मासी ने। आईच्या गावात ही कसली पॅकिंग आहे। ये करण तो अतिरेकी दिसतोय रे। चावी नाही आणली। मी जाऊ का म्हशीला? जा मग जाऊ ने। हे तुझं काय आहे नेहमीचं नाटक आहे। आता आले तर काय करू रे? प्रॉपर लेवलला साफसफाई चालू आहे। कसं चिकना दिसतोय। गाइज किसी के घर में कुछ साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, पेड़ बीड़ काटने का रहेगा, झाड़ू पोछा मारने का रहेगा तो करण भाई अवेलेबल है 24 आवर्स। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसको जॉब दिला दूंगा मैं, कोई विषय नहीं। एकदम बढ़िया तरीके से कटाई छटाई चालू है। अभी करण भाई का ये नज़ारा है, कटाई करने के बाद देखो कितना मस्त बनेगा। एकदम रावस बनाएंगे ना करण भाई। कचकी रे कचकी आगे तो मेरा गांधी मासी का कहर। गांधी मासी एकला धरता है। मैं सेफ हूं एकदम। कैसा लग रहा है करण भाई? मेरे पे क्यों बिल्ला हुई? अरे करण असा 7 ते 7 माझ्यावर बिल्ला झालेला मागाशी नव्हते का आईच्या गावात डेंजर। सफाई जो काम है वो अच्छी तरीके से हो चुका है। सफाई भी यहाँ पर क्लियर पूरा क्लीनिंग हो गया। अभी फिर से थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है पेड़ का, उसका कोई विषय नहीं, अपन लोग उसको भी क्लियर कर देंगे। और आधी बहुत सब सफाई बाकी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, ऐसा कुछ विषय नहीं है। तो एकंदरीत यही था ये और कुछ नहीं। सो फाइनली दोस्तों ये ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम अभी आ चुका है। तो आप सब लोग को पसंद आया रहेगा और आपने सबने देखा रहेगा कि हम लोग कहाँ पर गए थे और क्या किए थे। तो पूरा ऑल ओवर जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का साफ़ सफाई का आज दिन किया। आज हमारा फर्स्ट डे था साफ़ सफाई करने का। तो पूरी बहुत सी साफ़ सफाई हम लोगों ने की हुई है और साफ़ सफाई करते टाइम बहुत ही मस्ती भी की है। और ये मधमाशी ने हम लोग को जो अटैक किया था वो भी अटैक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं। ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली देखा जाए तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, बट उसके लिए बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा वक्त है और कुछ अलग दिन है उसको रिवील करने के लिए। बट फिलहाल तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उस प्रॉपर्टी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और वो कैसे कैसे डेवलप कर रही है, मतलब हो रही है और कैसे कैसे हम लोग उसमें चेंजेस करवा रहे हैं, तो ये मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और तो आज पहला ही दिन था, कल भी करूँगा, मतलब डे के वाइज हम लोग मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपको इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पांडिल के दिल में बच्ची ऐसे प्यार देते रहना दोस्तों। और देखते रहेगा और क्या चाहिए यार ज़िंदगी में, बस के कचकला बुस्कला 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 बुस। हाँ एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, अगर आप ये देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं, ताकि मैं मुझे भी समझ में आ जाए यार आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं ना बच्चे। चलो मिलते हैं आगे ब्लॉग में, कमेंट करना।